My dear students, today I am taking a very important topic, adoption. What is meant by adoption? Meaning of adoption. According to Mannu, a son equal in caste and affectionately disposed, whom his mother or father or both give with water at a time at calamity, is known as duttakshan. Thus, adoption is the transplantation of a son from the family in which he is born. The adopted son is then taken as being born in the new family and acquires right, duties and status there only, and his ties with the old family comes to an end. साथियों, adoption का मतलब क्या है? वैसे मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम समाज में देखते हैं, एक परिवार में दो लड़के हैं और एक परिवार में एक भी लड़का नहीं है, तो एक परिपाटी है, जिस परिवार में दो लड़के हैं वो एक लड़का उस परिवार को दे देता है जिसमें कोई लड़का नहीं है, और वो लड़का उस परिवार के अंदर शामिल हो जाता है, उसी परिवार के रीति रिवाज और सारी ड्यूटीज वगैरह सब और राइट्स भी उसके वहीं पर हो जाते हैं, और पहले परिवार जिसमें वो जन्मा था, जिसमें वो पैदा हुआ, वहां से उसके सारे राइट खत्म हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये साथियों, एक अपने वंश को चलाने के लिए, और माँ बाप ये भी देखते हैं कि हमारा यानी वृद्धावस्था में कोई सहारा बने, इसलिए भी करते हैं। तो साथियों, ये है एडॉप्शन। मन्नू के अनुसार एडॉप्शन क्या है? कोई भी लड़का एडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी कास्ट सेम हो, यानी दोनों परिवारों की कास्ट सेम हो, तभी कोई लड़का एडॉप्ट किया जा सकता है या एडॉप्शन में दिया जा सकता है। और ऐसा बच्चा, इसमें माता और पिता दोनों खुश होते हैं, तभी ये एडॉप्शन किया जाता है। और इस प्रकार के बच्चे को क्या कहते हैं? दुत्तक्षण। ये मन्नू के अकॉर्डिंग है। मन्नू के अकॉर्डिंग क्या है? ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? दुत्तक्षण। द एडॉप्शन इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए सन फ्रॉम द फैमिली इन विच ही बॉर्न। यानी एडॉप्शन क्या है साथियों? ये एक तरह से ट्रांसप्लांटेशन है, एक बच्चे का एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, जिस फैमिली में पैदा हुआ उस फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर। और एडॉप्टेड सन इज देन टेकन एज बीइंग बॉर्न इन द न्यू फैमिली। और जो बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, वो जो नई फैमिली जहां पर वो जाता है, उसको वहां पर ऐसा समझा जाता है कि वो इसी फैमिली में पैदा हुआ है, और वहीं उस फैमिली के राइट्स, ड्यूटीज और स्टेटस उसी फैमिली के अकॉर्डिंग उसके हो जाते हैं। राइट्स भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, स्टेटस भी, यानी उस परिवार का स्टेटस समाज में किस प्रकार का है, उस बच्चे का भी स्टेटस, वही रिलेशंस, रिलेटिव्स और जिस प्रकार के संबंध हैं, वो सब उस परिवार के अकॉर्डिंग उस बच्चे के भी हो जाते हैं। और ओल्ड फैमिली से, यानी जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, वहाँ से उसके संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये है साथियों एडॉप्शन। असेंशियल ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन, यानी असेंशियल क्या है एक वैलिड एडॉप्शन के लिए? नंबर एक,
द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन, यानी जो व्यक्ति एडॉप्ट करता है उस बच्चे को, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उसका राइट भी होना चाहिए कि वो एडॉप्ट कर सके। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंडर ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्या कहते हैं, जो व्यक्ति एक बच्चा एडॉप्ट करता है उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उसका राइट भी होना चाहिए। सेकंड, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो अंडर सेक्शन 9। 9 सेक्शन क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपना बच्चा एडॉप्शन के लिए देता है उसकी भी कैपेसिटी हो ऐसा करने के लिए, यानी वो ऐसा कर नहीं सकता है तो नहीं कर सकता, यदि वो कर सकता है तो अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। थर्ड, द पर्सन एडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन सेक्शन 10, यानी जो पर्सन एडॉप्टेड होता है वो भी इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, यानी वो भी एडॉप्शन के काबिल होना चाहिए। सेक्शन 10 के अंदर उसकी भी कैपेसिटी या उसकी योग्यता या और हर प्रकार से वो एडॉप्शन के काबिल होना चाहिए। फोर्थ, द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 11, और एडॉप्शन की और सारी शर्तें सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग पूरी की जानी चाहिए। और किसके हिसाब से, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 11 जो भी कहता है, जो शर्तें उसमें दी हुई हैं वो सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी एडॉप्शन कंप्लीट होगा और तभी एडॉप्शन पॉसिबल होगा। साथियों, ये था एडॉप्शन, एक बच्चा कैसे एक परिवार से दूसरे परिवार में एडॉप्ट किया जाता है, ये सारी शर्तें मैंने आपको बताई। ये समाज में बहुत पहले से चला हुआ है और अब भी चल रहा है, जिस परिवार में कोई बच्चा नहीं है दूसरे परिवार से एक बच्चा ले लेते हैं और उसको अपना ही बच्चा समझते हैं, और जहाँ पर वो बच्चा पैदा हुआ उस परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रहता और नए परिवार से उसका संबंध बन जाता है। पहले परिवार से सारे राइट्स एंड ड्यूटीज ख़त्म हो जाती हैं और नए परिवार की राइट और ड्यूटीज और स्टेटस उस बच्चे का बन जाता है। साथियों, ये था एडॉप्शन। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये टॉपिक भी ऐसा है जो समाज में खूब देखते हैं, इसलिए इसके समझने में भी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो साथियों, ये था एडॉप्शन, और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज मैच्ड बाय धर्मवीर सिंह दबास। थैंक्स।